दोस्तों, आरपीएससी गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आरवीएनएल के जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट वैकेंसी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, हमने पहले भी गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर्स के वीडियो डाल रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उनको कर लेना। तो इतने दिनों में अगर आप वो कर लोगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में अगर अपन 30% की वृद्धि करें तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों, आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि उसकी जो भुजा है उसका हमको स्क्वायर करना होता है। तो हमने मान लिया कि पहले जो वर्ग की भुजा है वो 100 सेंटीमीटर है, तो हमने 30% की उसमें अगर वृद्धि कर दी तो अब 130 हो गई। 130 पे हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला तो 16,900 वर्ग सेंटीमीटर आया। तो अब वृद्धि कितनी हुई हम कैसे निकालेंगे, तो अभी जो नई वृद्धि उसमें से पुरानी को घटा देंगे तो 6,900 की वृद्धि हुई। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई, तो पहले 10,000 था, अब 6,900 बढ़ा, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर 69%, इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी के एक बक्से की जो माप है हमारे को वो दे रखी है 20x12x10। ये हमारे जो आ रही है 20x12x10 की सेंटीमीटर की इसकी माप है और लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इस बक्से को बनाने में लगी लकड़ी का हमको आयतन ज्ञात करना है। तो इसके अंदर सिंपल है, लकड़ी का बक्सा जो है वो घनाभ का होगा, और घनाभ का होगा तो इसके अंदर हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले तो एल इंटू बी इंटू एच, फिर माइनस करेंगे एल माइनस बी इंटू बी माइनस एच इंटू, इसके बाद में ये जो दो बची इनको, तो इसका आंसर हो जाएगा 20x12x10 करके लास्ट में इसमें से इसको माइनस कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर इसका है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर। इसके अंदर हम माइनस 20 माइनस 2 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों तरफ आएगा, मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर है ये एक इसमें भी जुड़ेगा और एक इसमें भी जुड़ेगा। तो हम 20 में से 2 ये इधर घट जाएगा, 12 में से भी 2 घटेगा और 10 में से 2, तभी तो हमारा आयतन निकलेगा कि उतनी लकड़ी बक्सा बनाने में कम लगेगी, तो 960 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार की चोरी रात की 12 बजे हुई, चोर इसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले गया। चोरी का पता 1 घंटे 45 मिनट बाद चला, पुलिस ने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया, तो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाए। हमको पता है कि चोरी का पता 1 घंटे बाद चला, तो हम टाइम निकाल लेंगे पहले 1 घंटे 45, तो 80 इंटू, इसके अंदर हम दूरी निकाल लेंगे, पहले समय निकाल लेंगे, तो 80 इंटू 1 से ही 45/60, 1 घंटे 45/60, इसको हमने मिनटों में घंटों में चेंज कर लिया, अपॉन 90 माइनस 80, क्योंकि पुलिस की गाड़ी 90 पे चल रही है और चोर की 80 पे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 14 आवर्स जो है 14 घंटे इसका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लगे राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि तथा ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि 2 वर्ष में राशि कितनी होगी, 8,820 रुपये होगी, और तीन वर्ष में कितनी होगी, 9,261। तो तीसरे वर्ष में 8,820 पर ब्याज कितना मिला, मिश्रधन में से अगर हम मूल राशि को अगर हमने निकाल दिया तो 441 रुपये ब्याज मिला, तो हमको वार्षिक ब्याज की दर मिल गई कि 8,820 पर 441 है, मतलब 5% जो है इसकी वार्षिक दर होगी। अब हम जानते हैं कि मूलधन का फॉर्मूला इसमें क्या होता है, a/p = a/1+r/100n या n क्या टाइम है, तो हमने 2 वर्ष का लगाया तो 8,000 रुपये इसका आंसर आ गया मूलधन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य और समय से रिलेटेड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने, इसको हम अनुपात समानुपात से आराम से इजीली कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति यानी कम दिन, तो 25 जो है उसका 20 से जितना अनुपात है वही अनुपात जो समानुपात 20 का x से होगा, तो इसको हम सोल्व करेंगे 25 को 20 से और 25 को x से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को बराबर में रखेंगे तो 16 दिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक नगर के अगस्त महीने की औसत वर्षा जो है 125 मिलीमीटर, यदि 1 से 16 तारीख की 120 है और 16 से 31 की 140 है, तो 16 अगस्त को इतनी बारिश हुई, तो हमको दिख रहा है कि 1 से 16 की 120 है, तो हमको औसत बोल रहा है। अगस्त माह में हमारे कितने दिन होते हैं, 30 दिन, औसत 125 इंटू 30 कर देंगे, उसके बाद में 1 से 16 तक कितनी है, 120 है, तो 1 से 16 में कितने 16 दिन, 16 इंटू 120, और 16 से 31 तक भी 16 दिन, वो भी 120 दिन, तो अगस्त माह में 31 दिन है, सॉरी, तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अगस्त कितनी बारिश हुई, तो 31 से मल्टीप्लाई कर 3,875 आएगा, 1 से 16 16 दिन की 120 पर,
16 दिन के हम निकाल, तो 1920 मिलीमीटर इसका आंसर। तो इन दोनों को निकाल के जब इनका हम अंतर निकालेंगे और 16 दोनों में शामिल है तो उसमें से माइनस करेंगे तो 285 मिमी बारिश जो हुई है वो 16 तारीख को हुई। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2600 एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 4% का कमीशन दे देता है, तो लाभ कितना होगा? वो क्या करता है, 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये 25% का बढ़ा दिया तो 125 हो गया, 125 पे 4% की छूट दे दी, 125 100 में से 4 गए अपॉन 100 × 125, ये फॉर्मूला है कि विक्रय मूल्य लाभ का फॉर्मूला है। तो उसको हमने लगाया, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 120 में भी दे रहा है और क्रय मूल्य 100 होता तो उसको फिर भी 20 रुपये यानी कि 20% का लाभ हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं के 60% वोट मिले और वह 4000 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाता बताओ, तो 60% वोट उसको मिले मतलब 40% उसको नहीं मिले, तो और 60 माइनस 40 जो है वो 4000 है। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसके बाद में 4000/20 × 100 यानी कि 20,000 रुपये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20,000 कुल मतदाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है और उसका परिमाप जो है वो 104 सेंटीमीटर, तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी है, त्रिभुज में कितनी 3 भुजाएं होती हैं हमको पता है और ये बता रही कि अनुपात कितना है, 1/2, 1/2, 1/3 और 4। इसका अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 6/4/3 आएगा और मान लिया हमने कि 6/4 तो 6x, 4x और 3x है। अब तीनों का जोड़ यानी कि परिमाप कितना बता रहा हमको, 104, तो 13x = 104, तो x बराबर क्या होगा 8, तो सबसे लंबी भुजा कितनी है 6 है, तो 6 × x यानी कि 6 × 8 यानी 48 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा? इसमें हमको दे रखा है कि घन का विकर्ण जो है √12 है और घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 × उनकी भुजा जो भी है, तो हमको घन का विकर्ण कितना, √12 दे रखा है, √3 × भुजा, तो भुजा निकल जाएगी इससे हमारी 2 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है घन का, 1³, तो 2 का क्यूब यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर एकदम राइट हो जाएगा। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है, तो हमको इसमें कंपनी का आयात और निर्यात दे रखा है, उनको पढ़ के इनका आंसर देना है। इस तरफ हमारे को दे रखा आयात निर्यात का अनुपात और इस तरफ दे रखा वर्ष, तो कंपनी ए डॉट डॉट लाइन में है और कंपनी बी जो है वो क्लियर लाइन में। इसके अंदर 2003 में कंपनी के बी के आयात में 40% की वृद्धि हुई तो उस वर्ष में निर्यात और बढ़े हुए आयात का अनुपात कितना होगा, उनको कह रहा है 2003 में हमने देखा कंपनी बी यानी क्लियर लाइन वाली तो वो 1.75 पे, तो हमने देख लिया कि एक्स अपॉन वाई 1.75 है और ये कितना है, तो ये 40% की इसमें वृद्धि है, तो 40 यानी 140 हो गया, तो एक्स अपॉन वाई, एक वाई का 140, 140 क्या होगा 100 × 100/140, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स अपॉन वाई हमको दिया रखा है 1.75, तो 5/4 आएगा, मतलब कि आयात और निर्यात का अनुपात 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में कंपनी ए का निर्यात आयात से अधिक है, तो हमने देखा कि ए का निर्यात जो है आयात से तब ज़्यादा तभी होगा जो आयात बटा निर्यात जो निर्यात बता हुआ आयात जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो ये 2001, 2002 और 2005 में मतलब कि 3 बार है, तो 3 वर्ष इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है, हमारे को लाभ का तो दे दिया उन्होंने कि 10% है और इसको हमने विक्रय मूल्य दे दिया 19,800, क्रय मूल्य का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, 100/100+लाभ% विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 100/100+10 × 19,800, तो ये हो जाएगा 18,000 रुपये, इसका आंसर एकदम 18,000 रुपये हो जाएगा कि इसका क्रय मूल्य 18,000 रुपये था। दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं, अगले वीडियो में मैं जीके के क्वेश्चन लाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इस पेपर की PDF जो आप सभी कमेंट में मांगते रहते हैं, तो इस PDF पेपर की जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूंगा, तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको PDF टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।